साल 2023 में कई मील के पत्थर छुए हैं, कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं और दुनिया में अपनी एक नई पहचान हासिल करने की यात्रा में कई कदम आगे भी बढ़ा है और इन सब के सूत्रधार रहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री मोदी के साल 2023 में कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो उनकी सियासी छवि से इतर भी कई पहलू दिखाती है। साल 2023 बहुत सारी खट्टी मीठी यादों के साथ अलविदा कर चुका है। खास बात यह है कि भारत ने साल 2023 में कई मील के पत्थर छुपे हैं, कई कीर्तिमान स्थापित किए और दुनिया में अपनी एक नई पहचान हासिल करने की यात्रा में कई कदम आगे भी बढ़ा और इस सबके सूत्रधार रहे देश के प्रधानमंत्री मोदी। आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री मोदी की साल की 2023 में कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो उनकी सियासी छवि से इतर भी कई पहलू दिखाती हैं। 2023 की इन 23 एक्सक्लूसिव तस्वीरों में पीएम मोदी अलग अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चंद्रयान 3 की चांद पर सफल लैंडिंग के बाद की खुशी साफ दिखाई दे रही है। इस तस्वीर में पीएम मोदी इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ के गले मिलते हुए दिख रहे हैं। ये पूरे देश के लिए काफी भावुक कर देने वाला पल रहा था। इस तस्वीर में पीएम मोदी बीजेपी के एक दिव्यांग कार्यकर्ता के साथ सेल्फी लेते दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर में एक नेता और एक कार्यकर्ता के बीच का बॉन्ड दिख रहा है। ये तस्वीर पीएम मोदी के चेन्नई दौरे के दौरान की है। इस तस्वीर में पीएम मोदी देश की युवा शक्ति से संवाद कर रहे हैं। ये तस्वीर देश की सबसे खास ट्रेनों में शुमार वंदे भारत एक्सप्रेस की है और पीएम मोदी ऑन बोर्ड युवाओं से बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर दिल्ली में प्रधानमंत्री के आवास 7 लोक कल्याण मार्ग की है। इस तस्वीर में पीएम आवास के लॉन में गाय घूमती दिख रही है और पीएम मोदी भी वहां मौजूद है और गायों को दुलार कर रहे हैं। ये तस्वीर भी प्रधानमंत्री के आवास 7 लोक कल्याण मार्ग की है। इस तस्वीर में पीएम मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ पीएम आवास के गलियारों में बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं और टहलते दिख रहे हैं। जो बाइडेन के चेहरे पर गर्मजोशी के अंदाज में मेहमान नवाजी की संतुष्टि साफ दिखाई दे रही है। इस तस्वीर में पीएम मोदी देश की मातृ शक्ति का अभिवादन करते और आशीर्वाद लेते दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में गुंजी गांव की है। अपने दौरे में पीएम मोदी स्थानीय ग्रामीणों के बीच दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर में पीएम मोदी बेजुबान जानवरों को खाना खिलाते दिख रहे हैं। ये तस्वीर पीएम मोदी के हिमाचल दौरे की है। तस्वीर में पीएम मोदी लेपचा में कुछ जानवरों को खाना खिलाते हुए दिख रहे हैं। अगली तस्वीर में पीएम मोदी एक पार्टी कार्यकर्ता की मदद करते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल कार्यकर्ता की वॉकिंग स्टिक गिर गई, तो पीएम मोदी ने खुद उठाकर इसे दिया। तस्वीर मध्य प्रदेश के एक कार्यक्रम की है। इसके बाद की तस्वीर में एक नेता और एक कार्यकर्ताओं के बीच का मजबूत बॉन्ड दिखाई दे रहा है। तस्वीर में पीएम मोदी कार्यक्रम के बाद हेलीपैड पर स्थानीय कार्यकर्ताओं से बातचीत कर उनका हाल ले रहे हैं। ये तस्वीर कर्नाटक के कोलार की है। अगली तस्वीर में पीएम मोदी जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ दिख रहे हैं। तस्वीर में दोनों के बीच हल्के फुल्के अंदाज से बातचीत हो रही है और पीएम मोदी ओलाफ शोल्ज को पान ऑफर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगली तस्वीर में पीएम मोदी पवित्र सेंगोल के साथ दिख रहे हैं। ये तस्वीर नए संसद भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में सेंगोल की स्थापना के दौरान की है। अगली तस्वीर मध्य प्रदेश के शहडोल की है। यहाँ पीएम मोदी परफॉर्मेंस के लिए आए बच्चों से बातचीत करते हुए दिख रहे हैं और दोनों बच्चों को फुटबॉल देते दिख रहे हैं। अगली तस्वीर पीएम मोदी के अयोध्या दौरे की है। अपने कार्यक्रम के बीच अचानक पीएम मोदी एक उज्ज्वला योजना के लाभार्थी परिवार के घर पहुंच गए और योजनाओं से परिवार को मिली मदद के बारे में जानकारी ली। इस दौरान पीएम मोदी ने इस परिवार के घर बैठकर चाय भी पी। अगली तस्वीर में पीएम मोदी G20 के नेताओं के साथ बैठक की अध्यक्षता करते दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर दिल्ली में G20 समिट के एक खास बैठक के दौरान ली गई थी। इस तस्वीर में पीएम मोदी यशुभूमि में विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद करते हुए दिख रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी एक पॉटरी स्टॉल पर विश्वकर्माओं के साथ बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। अगली तस्वीर में पीएम मोदी इंडियन एयरफोर्स की कॉम्बैट यूनिफॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर में पीएम मोदी स्वदेशी लड़ाकू विमान की उड़ान के बाद
वापस आते दिखाई दे रहे हैं। अगली तस्वीर फ्रांस में बेस्टाइल परेड डे पर पीएम मोदी के दौरे की है। इस खास मौके पर फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष इमैनुअल मैक्रों पीएम मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत करते नजर आ रहे हैं। अगली तस्वीर में पीएम मोदी वर्ल्ड कप फाइनल में हार के बाद निराश टीम इंडिया के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर में पीएम मोदी विराट कोहली और रोहित शर्मा को दिलासा दे रहे हैं। अगली तस्वीर अहमदाबाद के रोबोटिक पार्क की है। यहाँ पीएम मोदी को एक रोबोट चाय परोस रहा है और पीएम मोदी इसे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। अगली तस्वीर उत्तराखंड में पार्वती कुंड पर पीएम मोदी की पूजा अर्चना की है। पीएम मोदी ने अपने दौरे पर पार्वती कुंड में काफी देर तक वक्त बिताया था। अगली तस्वीर बीकानेर में पीएम मोदी के रोड शो की है। बारिश के दौरान रोड शो में पीएम मोदी के साथ साइकिल सवारों का एक ग्रुप चल रहा है। इससे अगली तस्वीर में पीएम मोदी मुंबई में दि सैफी एकेडमी के नए कैंपस के लोकार्पण के मौके पर दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर में पीएम मोदी रोटी बनाने पर हाथ आजमाते दिखाई दे रहे हैं। आखिरी तस्वीर पीएम मोदी और इटली के राष्ट्राध्यक्ष जॉर्जिया मेलोनी की है। इस तस्वीर में जॉर्जिया मेलोनी पीएम मोदी से काफी प्रभावित दिख रही हैं और साथ में सेल्फी ले रही हैं। यहाँ वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, आप देखते रहिए न्यूज़ 8।